हेमंत सोरेन मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में पीएमएलए कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने ईडी को 5 दिनों की रिमांड सौंपी है, साथ ही कोर्ट को हेमंत की सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, पर कोर्ट ने उन्हें महज 5 दिनों की रिमांड पर ही मंजूरी दी है। हेमंत सोरेन के वकीलों ने कोर्ट से अपील की है कि पूर्व सीएम को कल जिस होटवार जेल में रखा गया था फिर वहीं रखा जाए। ED had paid for 10 days of remand, but we had objected to it. ED has been allowed only 5 days of remand. Order अभी upload नहीं हुआ है. Finally order जब upload होगा तो हम लोग विस्तृत आपको कह सकेंगे order में क्या है। आप लोगों ने कुछ जेल कैंप में भी रखने की बात की थी, तो क्या था? जेल कैंप में नहीं, हम जेल कस्टडी में चाहते हैं, हम कैंप जेल की इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन नाइट स्टे जो है वो जेल कैंपस में ज्यादा सिक्योरिटी होता है वहां पर, तो हमारी सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, तो वो उसके सिक्योरिटी के लिए हम चाहते हैं कि हमको जेल कस्टडी में रखा जाए। शाम के समय में दिन भर आपका इंटरोगेशन खत्म हो जाए तो शाम में हमें वहां पहुंचा दें, हमारा ही प्रेयर। वहीं सोरेन के वकीलों ने कोर्ट से आगे कहा कि वो जेल सुरक्षा के लिहाज से सेफ है, इसलिए ईडी जेल से ही 5 दिन तक पूछताछ करे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 5 दिन की ईडी को कस्टडी दे दी है। कोर्ट ने आगे सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए ईडी को कहा कि हेमंत सोरेन से जेल में ही पूछताछ करें और अगर कहीं ले जाना होगा तो उनकी सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। इस पर ईडी ने कोर्ट को अपनी सहमति दी, यानी ईडी जेल में हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। वहीं दूसरी तरफ झारखंड को नया सीएम मिल गया है। चंपई सोरेन अब हेमंत सोरेन की जगह सत्ता की कमान संभालेंगे। झारखंड में महागठबंधन का हिस्सा जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टी हैं। चंपई सोरेन के नेतृत्व में गठन होने जा रही महागठबंधन सरकार के कैबिनेट का भी फॉर्मूला सामने नहीं आया है। बता दें कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई को सीएम पद की शपथ ग्रहण कराई। चंपई सोरेन के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम और राष्ट्रीय जनता दल नेता सत्यानंद भोक्ता ने राज्य के मंत्रियों के रूप में शपथ ली। वहीं हेमंत सोरेन ने ही विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन का नाम आगे किया था। बताते चले, ईडी का दावा है कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के अवैध कब्जे व उपयोग में यहां करीब 8.5 एकड़ कुल क्षेत्रफल के एक दर्जन भूखंड और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध से कमाई गई संपत्ति है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के शीघ्र बाद सोरेन को ईडी ने बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया था। एजेंसी ने दिन में उनसे 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी।